अगर 24 घंटे आत्मभाव बना रहे फिर खुद ये अभ्यास अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब आत्म भाव से एक सेकंड भी अलग होते हो उस समय देहाध्यास कैसे वार कर जाता है और कर्म करा जाता है और चिंतन चला जाता है और क्या क्या दिखा जाता है जगत। सावधानी तो उससे चाहिए ना, बात कहने में तो बहुत आसान है भाई, देहाध्यास का एक ही पश्चाताप आत्म भाव में आ जाओ, लेकिन आत्म भाव निरंतर बनना चाहिए। जहां थोड़ा सा भी अपना देहाध्यास होगा जगत तो पूरा ही खड़ा हो जाएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो जगत का अभाव नहीं हो पाएगा। तभी बोला जाता है तिनका भर भी देहाध्यास नहीं होना चाहिए वरना पूरा जगत आ जाएगा। स्वामी राम तीर्थ एक जगह बोलते हैं कि अगर तुम्हारी एक वॉच में भी आ सकती है तो तुम पूरा ही जगत में डूबे हुए हो। अब अगर उनकी दृष्टि से समझा जाए बात को तो मतलब एक वॉच को मेरा कौन मानेगा, जरूर देह भाव में आएगा, पदार्थ सच देखेगा, आसक्ति रखेगा, कितना बड़ा जगत खड़ा हो गया। फिर मेरी वॉच अच्छी है तो चार की वॉच देखेगा, किसकी अच्छी है किसकी नहीं अच्छी है। अगर नहीं अच्छी है उनकी तो चलेगा, पर अगर किसी दूसरे की ज्यादा अच्छी है तो दिमाग चलेगा मेरे को ये वाली चाहिए, पूरा ही जगत खड़ा हो गया ना। अगर हम थोड़ा सा विचार करें पूरा जगत खड़ा हो गया। क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा ही देह भाव आता है, आप ये सोचने लगते हो कि जरा सी लहर है, लेकिन वो लहर अपने में कितना कुछ समेटे हुए है। आप ये भी तो विचार करो, आपके मोबाइल की चिप कितनी जरा सी है लेकिन दुनिया भर का सामान है उसमें, कॉन्टैक्ट्स भी हैं तो आपके गाने भी हैं तो मूवीज भी हैं तो पता नहीं क्या क्या है। पेन ड्राइव होती है कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन अपने में कितना बड़ा जगत समेटे हुए है। बॉम्ब होता है ना, छोटा होता है लेकिन जब फटता है तो तबाही कितनी कर देता है। तो कभी भी अपने किसी विकार को छोटा मत समझना कि बस हम आत्म भाव का विचार देंगे और खत्म हो जाएगा। ये विचारना इसके पीछे जगत कितना बड़ा है, जो बड़ा संसार पीछे रहता है। मार तो हमको वो मार रहा है, जो क्षणिक सामने आता है विचार वो तो बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, और शायद हम उसको जीतने में भी समर्थ हो ही गए हैं इतना ज्ञान सुन लिया है। लेकिन जो उसके पीछे जगत खड़ा है, क्या हमारी पहचान में वो आता है? आज मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी की बात पर्सनल नहीं, एक एग्जाम्पल तौर बात है। समझो तुम्हारे घर का ही कोई आया, अब मन कहता है एक बार पूछ लेता हूं सब ठीक ठाक है, कोई फंक्शन है, अच्छा सब तैयारी वैयारी ठीक हो रही है, इतनी सी बात कर ली हमने, ये तो साधारण सी व्यवहार की बात है। लेकिन अपने से पूछो तुम्हें ये संकल्प क्यों नहीं आया, मैं बोलूं कि कोई बात बता भी दूंगा, ये तो रह नहीं पाया, मैं रुका खड़ा हूं, मैं कोई पॉइंट अच्छा चला था चार छह वो पॉइंट बता दूं इनको, इनको मनन करने में आराम मिलेगा, आसानी मिलेगी, खुश होंगे। लेकिन मेरा सवाल संसार से संबंधित क्यों है? अब जाओ वापिस, आपको पता चलेगा जिस संसार के त्याग की आप बात करते हैं उसका बाहर से त्याग है अंदर से ग्रहण। आप जो निरासक्त की बात करते हो अंदर की आसक्ति आपसे छूटी नहीं है, आप जो बात करते हो कि मैं अलग हो गया हूं पर भीतर से अलग नहीं हो पाए हो। और ध्यान देना, एक किसी नॉर्मल सत्संगी से पूछना, किसी के घर कोई फंक्शन, एक नॉर्मल पूछना और एक अपने वाले से पूछना, प्रश्न सेम है लेकिन भावना में कितना बड़ा अंतर है। एक जगह
सिर्फ फॉर्मेलिटी है। दूसरी जगह आसक्तिवश जानने का भाव है, पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंदर वाला अलग नहीं हो पा रहा, उसको कुछ ना कुछ खबर चार चाहिए। अगर बात ही करनी पड़ती है, मजबूरी है समझो, तो हम ज्ञान की पॉइंट्स भी तो बता सकते हैं, है ना। हम ज्ञान की बात करें, अच्छी बात करें, चढ़ी हुई बात करें, किसी को चार वचन दे के भेज दें, आज तुम्हारे शहर से कितने लोग आते हैं, किससे तुम ज्ञान की बात करते हो। अगर तुम्हें किसी का केस पता है, खबर पता है, तुम उससे उसके रिलेटेड बात करते हो, क्यों करते हो? सोचने वाली बात है, उससे रिलेटेड बात हम क्यों करते हैं? यानी कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर मेरा इंटरेस्ट ना हो मैं बात क्यों करूंगा? इंटरेस्ट के कारण करता हूं। और मेरा इंटरेस्ट अगर अपने परमात्मा में है तो मैं अपने परमात्मा की बात करूंगा, मैं दूजी बात क्यों करूंगा किसी से, मुझे क्या लेना। ये तो सब चलेगा, संसार का नाटक, जड़मुई जंगमुई सब चलता रहेगा, लेकिन इस सब के चलने में मैं अलग क्यों नहीं? हमारा जो संसार है भीतर, उस संसार की रचना हमारी आसक्तियों में, उससे ज्यादा संसार नहीं। जहां जहां हमारी आसक्ति है वहीं वहीं हमारा संसार है। अब संसार जितना हो भीतर का, तो बहुत सीधी सी बात है, आसक्ति को जीता जाए। अभी गीता भगवान ने अच्छी बात बोली, बाहर देह के धर्म, भीतर अंतःकरण के धर्म, लेकिन आत्मा साक्षी दृष्टा, वो किसी धर्म में वर्तने वाला नहीं। भीतर अंतःकरण के धर्म वर्तते हैं, लेकिन मैं जानने वाला हूं, पर जब मैं इन्वॉल्व होता हूं वहां मेरी आसक्ति होती है। टू नो समथिंग, व्हाई, मुझे क्या चाहिए। अब वही राजा जनक वाली स्थिति, यज्ञ कर रहा है, गुरु पहुंच गए, क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, तो चाहिए कुछ नहीं तो कर्म क्यों? अब एक रट गई है ना बात हम लोगों को। अभी तुमसे पूछे, तुमने फलानी बात करी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भैया जब चाहिए नहीं तो कर्म क्यों? इसका मतलब कर्म का विचार नहीं है। कर्म का विचार क्यों नहीं है? देह अध्यास है, जीने स्वभावों में बरत रहे हो, पुराने स्वभावों में बरत रहे हो। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी ना जाए। पीर पैगंबर औलिया जीनी सबको खाए। कौन सी माया सबको तंग कर रही है? सूक्ष्म मन की माया। पीर पैगंबर औलिया जीनी सबको खाए। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्री आका ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। कहां फंसते हैं हम आके? मान बढ़ाई ईर्ष्या जलन कुड़न, इन चीजों पे आके मन फंसता है। बाहर का त्याग बड़ी आसानी से करता है, और कभी कभी ये मूर्खता हो जाती है, बाहर की चार चीजों से हटने में हम अपने को वैरागी त्यागी डिक्लेयर कर बैठते हैं, निराशक्त मानने लगते हैं, ऐसे लगता है हम तो बहुत छूटे हुए हैं। ये बड़ी भूल करते हैं, ये नहीं विचारते कि अंतःकरण का धर्म अंदर ज्यों का त्यों का चालू है, वो चल रहा है। हमने तुम्हें ये नहीं कहा जगत से हटो, हमने तुम्हें ये कहा आसक्ति से हटो, हमने ये नहीं कहा जगत से मन हटाओ
तुम्हें ये कहा जगत नहीं है जगदीश है। अब देहाध्यास अपना मैं हूं तब तो ना संबंध है, और जब संबंध है तो वर्तन है। तुमने सबको एक दृष्टि से कहां देखा, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाये। विषवरात्रि पिशादी तो शिव जी की भी थी, तुम्हें कितनी टेंशन थी तैयारी की। शिव जी तुमने क्या परचेस किया, शिव जी तुमने कौन सा बैंकेट बुक किया, शिव जी कौन सा बैंड आ रहा है, तुम्हें कोई टेंशन था क्यों? भगवान की शादी शादी नहीं है, लीला मात्र है, खत्म हो गई कहानी। भले एक घंटा सत्संग चला लेकिन तत्व तत्व घेर लिया सबने, सबको पता है शादी शादी नहीं थी, वो लीला मात्र, वो भी हमें सिखाने के लिए। अब जब ब्रह्म दृष्टि हो जाए, संसार में हटनी क्या है, एक बात सोच के देखो, ब्रह्म दृष्टि हो जाने पर हैपनिंग कहां है संसार में? जो दादाजी बोलते हैं, जिस दिन मैं अकर्ता हुआ लगा सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। कल बात चली, ज्ञानी का कर्ता ही नहीं तो कृत्य कहां से आए, छाप कहां पड़े, निशान कहां छोड़े। जो बाहर वर्ते कर्ता भाव में वर्ते उनके इतिहास बन गए, संतों के तो इतिहास ही गुम हो गए, उल्टा गुम होते गए। ये तो काम काम खोज खोज निकल आता है, कोई मिलता ही नहीं। अभी जब संत नामदेव का चला था, बड़ी मुश्किल से हमने कलेक्ट किया, कहां कहां से मैटर नहीं मिल रहा था। कौन कौन से शहर, महाराष्ट्र में पता कराया, पुणे में पता कराया, कहीं कोई किताब मिले, वहां के थे उनका सारा उधर ही है पांडुपुर और वो सब उनकी जगह बनी है, कुछ मिल जाए, नथिंग। बड़ी मुश्किल से कड़ियां मिला मिला के जोड़ जोड़ के एक रूपरेखा तैयार की सत्संग में, जो सारा तुमको पता है, नहीं। बुल्ले शाह का चला, वो भी ऐसे जोड़ जोड़ के पाकिस्तान तक पता कराया मैंने, बुल्ले शाह का मैटर मिल जाए, कहीं से मिल जाए, नहीं मिला। संत तो गुम होते गए, कोई छाप ही नहीं छोड़ गए, निशानियां ही नहीं छोड़ गए। दुनिया के लोग सोचते हैं कुछ कर जाए, निशानी छोड़ जाए, सारे निशानियां नहीं बना रहे। कोई अस्पताल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, क्या कर रहा है, मैं जाऊंगा निशानी छोड़ जाऊं। संत बेचारे का तो कर्ता ही मर गया, कृत्य कहां से आएगा, कर्ता ही ना बचा, कर्म कहां से आए। जो अभाव भीतर के हैं, गुम होना, मिटना, परे होना, डिसइंटरेस्टेड होना, देहाध्यास तो सारा इसमें। खाली मैं शब्द का प्रयोग ना करो, हम कर लो। तो मुझे भी चिट्ठी लिखो, उसमें भी हम भाषा लिख दो, मुझे क्या लगेगा तेरा देहाध्यास चला गया। ये बड़ा देहाध्यास है, क्योंकि पहले तो तुम्हें ये कॉमन सेंस नहीं, गुरु को चिट्ठी में ऐसे नहीं लिखते, साधारण मैं कई प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, तुम्हारा अंदर वाला अपनी स्थिति दिखाना चाहता है, गुरु तो देहाध्यास यहां से भी पकड़ लेगा। ये जो फुरने उठते हैं ना कुछ करने से पहले, ये जो फुरने उठते हैं ना, जो मैं ज्ञानी होके दिखाऊं, ये फुरने अपने आप में देहाध्यास है, इनको पकड़ा करो। ज्ञानी होके दिखाने का नहीं, ज्ञानी कोई उपाधि नहीं है, ज्ञानी के अंदर ज्ञानी होने का भाव ही नहीं है, सच्चाई तो ये वाली है।
वो नहीं जानता ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी का भाव बनते ही अज्ञानी दिखने लगेगा। सावधानी, ज्ञानी बहुत स्तर के ज्ञानी स्वयं को ज्ञानी भी नहीं जानते। हाँ कुछ मैं जिस पल एहसास खड़ा होगा ज्ञानी पड़ेगा, जिंद छूटेगी नहीं अज्ञानी दिखेगा, ना चाहते हुए दिखेगा। ज्ञानी तो अज्ञानी देख के रहेगा। प्रैक्टिकली ज्ञान की आजमाइश नहीं की, बातें कर विचार करके देखो, थोड़ा सा पता चलेगा। क्यों बोला योगी दे अभिमान है? योगी को दे का अभिमान, भोगी ग्रस्त अभिमान है, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, सारे फंसे। योगी को दे का अभिमान, मेरी देह देखो कितना तंदुरुस्त, कितना स्वस्थ, बीमार नहीं पड़ता हूं, वो भी अहंकार ही। फिर उधर भोगी को तो ग्रस्त का अहंकार हो, तुम सब जानते ही। बड़ी मौत आई ज्ञानी को, ज्ञानी मुक्त अभिमान, उसको फिर अपनी मुक्ति का अहंकार, मैं मुक्त ये ना मुक्त, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, ऐसा फंसता है जो अज्ञानियों से भी बदतर अहंकार, निकलता नहीं। ये अहंकार जब घुस जाता है ना अंदर, रोम रोम में घुसता है, मैं ज्ञानी, मैं श्रेष्ठ। जब देवता तक नहीं छूटे भाई, ब्रह्मा विष्णु शिव त्रैगुण रोगी, बिच होमे कार कमाई, होमे वहां भी आ बैठी है। वो कहता है ब्रह्मा मैं संसार को पैदा करने वाला, विष्णु जी उठ खड़े हुए मैं पालने वाला, शंकर जी उठ खड़े हुए मैं प्रलय करने वाला, मैं फिर वहां भी आ गई। ब्रह्म ज्ञानियों ने उस मैं से भी इनकार किया, नहीं तो गीता में भगवान कभी ना बोलते सहस्त्र चौकड़ी युग के बाद ब्रह्मा भी अपने लोक सहित लय होता है, फिर ब्रह्मा का नया जन्म होता है। हमें कार कमाई एग्जैक्ट जो हो, मैं तुम्हें मार रही है, देवताओं को मार रही है, जो हो मैं तुम्हें जन्म मरण में ला रही है, वो उनको भी नहीं बख्श रही है। ऐसी मुसीबत है इस मैं की। जरूरी नहीं मैं शब्द का प्रयोग होता है, ये जो अंदर उठती है मैं, फुरना उठता है ना, होने पने वाला, बड़ा बंधन है, इसको छोटा मत मानना, बड़ा बंधन है ये। खड़ा होता है थोड़ी थोड़ी देर में, खड़ा होता है थोड़ी थोड़ी देर में, विचार आता है हूं कुछ हूं। भगवान बोलते थे बिल्ली को भी हाथ लगाओ म्याऊं, कुत्ते को हाथ लगाओ भाऊं, सब अपनी अपनी प्रेजेंस बताने में लगे रहते हैं, हूं। और ज्ञानी इस होने पने को मिटाने में लगे रहते हैं, यही तो बड़ा फर्क हो जाता है। ध्यान दो, ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा ध्यान मिटने पर कितना है? बनने में तो लगे हो, मिटने में कितने हो? देखो तुम्हारा कर्ता जिंदा है तो तुम्हें कृत्य की बड़ी टेंशन होती है, मैंने किया चिंतन, सबको पता चले मैंने किया, फिर एक भावना है I must be rewarded। तुम्हारा कर्ता जीवित है तो कृत्य की छाप डालना चाहते हो। ज्ञानी मिट गया, गवा दिया अपने, कर्ता ही मर गया, कृत्य कहां से आएगा? ज्ञानी मिटने में लगाया तो बनने में लगे, यही फर्क। वो अपने को गवाने में लगा, सत्संग करके भी गवाने में लगा, किसी का चिंतन नहीं, इतने बनाए, इतनों को सुनाया, कुछ नहीं, स्वयं से स्वयं में है बस। ज्यों ज्यों स्थिति बढ़ती है
और अपने में तुम्हें लगेगा ज्ञानी को शायद होश होता होगा, इतने लोग मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो होश ही नहीं इस चीज का, उसके लिए कोई बड़ी चीज ही नहीं, क्योंकि ये कोई चीज ही नहीं, मेरी उल्टी नहीं इसमें। अगर इसके अहंकार में आता है, करता होता है, बस फिर तो सारे कृत्य गले पड़ेंगे। करता है, सत का भी करता है, फिर बद का भी करता है। ये ना सोचे मैं अच्छे का करता हूं, बुरे का करता नहीं। कौन जाने सत के बीच बद कब हो जाता है, फंसेगा। एक को स्वीकारेगा तो दूसरे के लिए फंसेगा। सो ज्ञानियों की चाल दूसरी है, मिटो, गुम हो जाओ, अपने को गवा दो। और कहीं कृत्य की छाप पड़ने लगे, अभी तो हम लोगों के यहाँ सिस्टम दूसरे हो गए, एक जगह बैठे हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुष चलते रहते थे, कहीं देखा कीर्ति बढ़ रही है, रात को लोग सोए वो चुपचाप खिसक गए वहां से, भागो, निकलो यहां से, टिक नहीं जाते थे कि यहां बड़ा मान हो रहा है, बड़ी कीर्ति हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, भाई रहो यहां पर, भाग लेते थे वहां से, नहीं रुकना यहां पर, ये तो मेरे पीछे पड़ती है कंचन कीर्ति, भागते थे। विचारना, हमारा मन बाहर की माया से भागता है या प्यारी करके देखता है। विचारने वाली बात है, बाहर की माया से मेरा मन भागना चाहिए, रन अवे, भागो यहां से, हनुमान जी की तरह राम के पैर पकड़ो, प्रभु बचाइए बचाइए, कीर्ति आ गई। और कहां हम कभी कभी अपने संकल्प से माया जोड़ तोड़ करते रहते हैं। कंचन, कंचन खाली पैसे का रूप नहीं, पदार्थों का भी रूप है, संग्रह की प्रकृति, ध्यान दो ना। कभी कभी मन ब्लेम दूसरे पे डालेगा, फलाने ने मेरे लिए चीज ना ले के रखी, हालांकि वो भी 100% सच्चाई नहीं होती। कई बार हमने कहा होता है ले रखना, कई बार हम खुद लेते हैं, पर हम डर के मारे कह देते हैं ले के रखा हुआ था, पर मेरे अंदर संग्रह की प्रकृति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे शौक, और पता भी चलता है मेरी आसक्ति कहां कहां जाती है। अपने आसक्ति के संसार को आप बखूबी जानते हो, क्या आप कह सकते हो आप अपने आसक्ति के संसार को नहीं जानते हो? पर देह अध्यास क्या है, जानते हुए हम अनजान बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देह अध्यास है सूक्ष्म, क्योंकि हम अंदर सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे वहां से हटने की, तो हम तरह तरह के आवरण डालते रहते हैं, ये कारण वो कारण फलाना कारण पीड़ा कारण, है ना। तो जब मैं खुद ही कंचन का गुलाम हूं, मैं कैसे कह सकता हूं एक आत्म भाव के अध्यास को खत्म कर रहा है? पहले विचार तो करूं मेरी गुलामी कहां पर है, और देखना जब तक तुम गुलामियों से छूटे नहीं अपने स्वभावों की विकारों की, आत्म भाव असर करने वाला नहीं, विचार होगा उथला वाला, पर अंदरूनी स्वभाव वही वाला चलेगा, इफेक्टलेस रहेगा आत्म विचार। हालांकि आत्म विचार नॉन इफेक्टिंग नहीं, लेकिन जब आत्म विचार दिल की पूरी सच्चाई से अपनाया नहीं जाता, इफेक्ट करता ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, आत्म विचार भी तो
दिल की सच्चाई से अपनाया जाए ना। हम ऊपर ऊपर से विचार दे रहे हैं, मजबूरी, नहीं नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं नहीं मैं आत्मा हूं, और ध्यान जा रहा है सूट का फैशन कौन सा चल रहा है, बड़े दिन हो गए चप्पल ली नहीं, नहीं मैंने टूटी नहीं रही है, तोड़ दूं इसको किसी का नहीं ले आऊं जाके, अंदर दिमाग ये सब चल रहा है, ऊपर से आत्म विचार जितना मर्जी देते रहो। अब आत्म विचार क्या करे, आत्म विचार मुझे तब समेट सकता है, मेरी वृत्तियों को तब समेट सकता है, जब सचमुच मैं आत्म विचार अपने उद्धार के लिए धारण कर लूं, वरना आत्म विचार मेरी वृत्तियों को कैसे समेटेगा। अभी बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है पहाड़ों पर, नदियां ऐसे लगता है जम गई, लेकिन अंदर पानी चलता है, नीचे ऊपर लेयर है खाली बर्फ की जमीन में, अंदर पानी चलता रहता है। अगर गलती से बर्फ कहीं से टूट जाए और तुम चले जाओ ना अंदर, पैर पड़ जाए, ये भी नहीं पता चलेगा तुम कहां तक चले, कोई तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा ऊपर बर्फ जमीन में, ज्यादा नुकसान वाली स्थिति। जब ऊपर ऊपर हम ज्ञान का आवरण ओढ़ते हैं और अंदर संसार का प्रवाह चलता है, ज्यादा मुश्किल वाली स्थिति, ज्यादा फंसता है इंसान ऐसे में, क्या आत्मा आत्मा करता रहता है और अंदर का देह अध्यास उसका जाता नहीं, अटक गया। कर दिखावा भक्ति का ओढ़े चादर उजलिया, उससे फायदा नहीं होगा। ज्ञान भक्ति दिखावे की चीजें नहीं होती, इन चीजों का अगर आप दिखावा करोगे आप फंसोगे, क्योंकि यह फल तो अंदर की भावनाओं का है, बाहर तो किसी चीज का फल है, ईमानदारी अपनी। अब राम तीर्थ को कोई चेक नहीं कर रहा, पर उसको विचार चला दो बूंद नींबू की, इसने मेरा ये हाल कर दिया कि मैं समाधि से उठ के नींबू लेने गया और मुंह में दो बूंद डालने लगा। अब ये उसकी अपनी ईमानदारी है, नींबू उठा के मिट्टी में फेंक दिया। क्या हम इतने ईमानदार हैं अपने से, जस्ट चेक आउट, कि अगर मेरा मन वर्तने लगे, मेरा मन एक्साइटेड होने लगे, मुझे लोभ लालच आने लगे, मैं वहीं का वहीं अपना हाथ पीछे करता हूं। हुआ ऐसा कभी, ऐसा हुआ अपने से पूछ के देखो, या मन के अधीन कर लिया और मैं एक बहाना सोचता हूं कि अगर मैं पकड़ा गया, अगर मुझे पूछा गया तो मैं ये बहाना बता दूंगा। ये कितना अविवेक है कि हम अंदर से पदार्थ भावनी की स्थिति क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, असंग आसक्ति की स्थिति पार नहीं कर पा रहे, इसका दोष कहां है, इसका दोष कहां है। शुभ इच्छा लेके आप आए थे, शुभ इच्छा से सुविचारना होती, पर जब आप बीच रस्ते में अटक रहे हो, इसका मतलब आप पहली स्टेज से भी नीचे जा चुके हैं। आपको अपना संकल्प ही याद नहीं है, शुभ इच्छा ही याद नहीं है जो लेके आए थे, बीच रस्ते में कैसे अटक सकता है। अभी हमको यहां से समझो हरिद्वार तक जाना है, कितना अच्छा सीन हो, बीच में 5 मिनट खड़े हो जाएंगे, 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, पर वहां तंबू तो नहीं गाड़ लेंगे ना, जाएंगे तो अपनी मंजिल की तरफ। अब तुम शुभ इच्छा से चले थे, शुभ इच्छा लेके गुरु के पास आए, भाई शुभ इच्छा से सुविचारना, फिर तनु मानसा तन मन की आसक्ति, फिर असंग आसक्ति पदार्थ भावनी, ये स्थितियां सारी पार करने की थी, पर आप इनमें अटके बैठे हो अभी तक,
इसका मतलब आपको अपना पहला स्टेप भी याद नहीं है, आप क्या करने आए थे, आप उससे पीछे जा चुके हैं और आपको होश ही नहीं है इस बात का। मैं कहां से चला था, क्यों कर चला था, क्या पाने के लिए चला था, मैं तभी तो बीच में अटका बैठा हूं। जब तुम आए देह अध्यास जीतने, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने, बीच में ये देह के लिए संग्रह क्यों, सारा दिन शरीर को सजाने संवारने का शौक क्यों, सारा दिन शरीर की बात क्यों याद है, सारा दिन मन को क्यों सुन रहे हो, तनु मन सा तुम्हें तो तन मन की माया से अलग होने का। जब तुम्हें याद नहीं और तुम जीत नहीं पा रहे, इसका मतलब तुम पहले वाली स्टेज से भी पीछे चले गए। जिसको एम याद होगा वो अभ्यासी होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनत में लगेगा, लेकिन जब भूल गया क्या हालत होगी, बच्चा स्कूल में क्या करने गया, जिन बच्चों को याद नहीं वही फेल होते, जिनको पता है हम पढ़ाई करने आए, हमको कुछ बन के निकलना है यहां से, वो बच्चे मेहनत करते। तो आपको भी जब मन अटकाता है, किसी भी माया में अटकाता है, अगर आप सावधान नहीं हो, इसका मतलब आप अपने एम से डिग गए। Where is your aim? उद्देश्य कहाँ है? आज एक बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, चाहे घर में शादी ब्याह हो चाहे कुछ हो, वो कहते हैं नहीं हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, इतना ही कह दो 15 दिन आ जाओ, 8 दिन आ जाओ, 4 दिन आ जाओ, हमारा वो जरूरी है, हमारी अटेंडेंस जरूरी, हमारा काम जरूरी। अरे तुम ड्रेस लियो, नहीं नहीं हम पुरानी से भी काम चलाएंगे। क्यों? उनको अपना एम याद है, हमें अपना एम ध्यान है। फिर बात याद आती है, रामलीला चल रही थी, रामलीला में एक पात्र बीमार हो गया। अब पात्र बीमार हुआ तो नेचुरली रामलीला कैसे रोकी जाए। सामने एक हलवाई था, उसको मिन्नत की गई, भाई तुम पार्ट प्ले करो। चलो बेचारा आ गया, रामलीला चल रही है, बीच में रावण को आना था, उस पात्र को जोश करना था, रावण आया जोर से चिल्लाया, कौन है तुम, वानर का पाठ दिया था उसको अशोक वाटिका में, रावण के दरबार में पेश हुआ, कौन है तुम। वो इतना डर गया रावण को देख के, आवाज सुन के, कहते जी मैं तो कल्लू हलवाई हूं, कल्लू हलवाई, ये लोग मेरे को ऐसे ही पकड़ के ले आए थे, भाग गए। सत्संग में आके वो कल्लू हलवाई वाला पार्ट मत प्ले करना, ध्यान रखना कि बन के बैठ जाओ और जहां कोई कारण आए तो कल्लू हलवाई बन के फिर भाग लो यहां से, ये मत करना। मन अक्सर करवाता है, जब कारण शरीर का कोई अज्ञान आता है तो आप देखो आपकी स्थिति क्या होती है, मन आपको फंसा देता है, इन्वॉल्व कर देता है, अटका देता है, आप पुराने अपने रूप में आ जाते हो। कल्लू हलवाई क्या है भाई, जो पात्र उसको मिला वो नहीं, पर जो एक्चुअल वो है। ये नहीं बोला मैं हनुमान हूं, मैं श्री राम का दूत हूं, बोलना तो उसको ये था, पर डर ने उससे क्या निकलवाया, मैं तो कल्लू हलवाई हूं और मैं जा रहा हूं, छोड़ के भाग गया। तो
तुम्हारा मन क्या करवाता है, तुम्हें कल्लू हलवाई बना छोड़ता है, फंसा देता है। लेकिन ये निश्चय का अभाव है। अगर अपने निश्चय में परिपक्वता हो, कारण कितने मर्जी बने, आंधियां कितनी मर्जी हैं, वो तुम्हें कैसे उखाड़ें। कभी कभी हम कहते हैं फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने मेरे लिए चीज लाई, फलाने ने मुझे कहा ये ले ले। सच तो ये है मैं उखड़ू ना तो कोई उखाड़ नहीं सकता। सच तो ये है मेरी आसक्ति ना हो तो मेरे गले कोई चीज डाल नहीं सकता। सच तो ये है कि मैं हां ना करूं, मैं किसी को एक्सेप्ट ही ना करूं तो कोई क्या करेगा। लेकिन कमजोरी इधर होती है, बहाना बाहर होता है। आप देखना, ज्ञान से आपने करेज गैदर किए, हिम्मत, या वही की वही वीकनेस है जो दुनिया में थी, फिसले, कोई चीज देखी फिसले, कोई कारण आया फिसले, लार टपकने लगी। कुत्ता होता है बस हड्डी देखते ही उसकी लार टपकती है, मेरी लार तो नहीं टपकती। जब तक राम तीर्थ की तरह अपने हृदय को अपने नाखूनों से नहीं चीरा है ना, आत्म भाव बनने का ही नहीं है। थोथा है आत्मा बोलना, बहुत थोथा है, बड़ा महावचन, महावचन है। अष्टावक्र गीता को महागीता कहा गया, लेकिन थोथी रह जाएगी वो अगर वैराग का आधार नहीं। होने दो महागीता, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, ना तुम्हें गीता से फर्क पड़ेगा ना महागीता से, क्योंकि टेंशन गीता और महागीता की है ही नहीं। तेरी स्थिति अपने स्वरूप में हो जाए तो जो तू बोले वो महागीता है। मेन बात तो ये, वरना अष्टावक्र गीता पढ़ लो, जीवन मुक्त के लक्षण लिखे हैं उसमें, 100 पढ़ लो, फर्क क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का विलास चल रहा है। ध्यान देना, ज्ञान भी कभी कभी बुद्धि का विलास बन जाता है। तभी लोगों को देखा तुमने, पढ़ने का बड़ा शौक होता है, ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, इसको पढ़े उसको पढ़े, बुद्धि का विलास। जानने के लिए तो एक बात काफी है, एक बुझे तो वे पाक, एक ना बुझे सदा ना पाक। जानने के लिए तो एक ही बात काफी है, पर बाकी सारा या तो लेक्चर पावर बढ़ाने का या बुद्धि का विस्तार। कितना विस्तार चाहिए, बस वो बुद्धि खुश होती रहती है, मैंने ये समझा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये बड़ी ऊंची चीज पढ़ी, बड़ी ऊंची चीज पढ़ी। ऊंची चीजें पढ़ने से क्या होगा, बौना रह जाए बच्चा, और ऊंची चीज उतार लाए ऊपर से, सीढ़ी पे चढ़ के, डब्बे पे चढ़ के, चौकी पे चढ़ के, वहां खुश हो। या वो चाहती है बच्चा ऊंचा हो जाए, तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे ऊंचे वचन है, तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे ऊंचे सिद्धांत बैठे हुए, बट यूजलेस। क्या करोगे उसका। देखा ना, कभी कभी घर में शादी हो, नजदीकी रिश्ते में शादी हो, बिना सोचे समझे कपड़े तो खरीद लेते हैं, महंगे महंगे, बड़े शो वाले, पर अब उनका क्या किया जाए। बाद में वो अलमारी में टंगे 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 या तो कट जाते हैं या फिर दे दो किसी। बड़े बड़े सिद्धांत बुद्धि की खूंटी पे टांग लो, कई साल टंगे रहेंगे,
जहां लेक्चर करने गए वहां बांट गए, कुछ और कर रहा है, और जब आई कोई परिस्थिति तो सब फेंको उठा। नहीं जी, बड़े साल गए सत्संग में, कुछ फायदा नहीं निकला। कहां से निकलता फायदा? बड़े साल बैठे गुरु के यहां, लाभ नहीं निकला। मैं तो आ गया, मेरा तो मन रोज कहता है छोड़ कर, क्योंकि बुद्धि की खूंटी पे टंगे हुए हैं सिद्धांत, सारे जीवन में हैंगे। अब इसके दो ही काम बचेंगे, या तो फेंको और चलो समेटो सृष्टि, या फिर रोज बांटा जाए, लोगों को बताए, लोग तारीफ करेंगे, आप सत्संग बहुत अच्छा करते हैं, उनको नया मसाला मिलेगा रोज। दादा के समय में आगे लड़कियां थी, सब थी, दादा सत्संग करने बिठा देते थे कभी कभी, तुम बात करो तुम बात करो, लोग इतने खुश हुए, दादा से भी अच्छा इनका ज्ञान, ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। दादा ने एक दिन पकड़ा सबको, बोला ये नीचे नीचे की बातें करते हैं तुम्हें मजा आता है, मैं एक आत्मा की बात करता हूं तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ते। सच्चाई तो यही है, लोगों को तो नया मैटर मिल गया, नए तुम्हारे दृष्टांत मिल गए, बातें मिल गई, लोग खुश हो गए, ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा सत्संग करते। मुझे भी कहने आते हैं लोग, फलाने को भेजा करिए, फलाने को अभी इसको भेजा उस दिन परसों सत्संग करने, कल 100 लोग बोल रहे, इनको फिर भेजना, मुझे जो आगे मेरे को बोल जाते थे आप आना, इस बार बोल गए आप इन्हीं को भेज दिया, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। मेरा लेवल सबको हजम भी तो होना, बड़ी परेशानी तो ये, हम तो छिलके उतार देते हैं, वो बेचारी क्या करेगी उसमें जाके, प्यार किया होगा, प्यार के अनुभव बताए होंगे, अच्छा लग गया, मजा आ गया। हम ये नहीं कहते रिस्पेक्ट ना करो किसी, पर हम एक बात कहते हैं, ये भी तो कोई हमारा एम नहीं कि बुद्धि की खूंटी पे बड़े बड़े सिद्धांत टांग लें और लेक्चर करें, दैट्स नॉट योर एम। दूसरों के सिद्धांत हम कब तक बोलेंगे? किसी दिन तो अपने अनुभव से कोई सिद्धांत निकल के आए, किसी दिन तो ये कह सकें जो मैं कहता हूं वो शास्त्र कहते हैं। कब तक बोलेंगे शास्त्र ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना वो कहता है, कब तक? और जब तक अनुभव की दरी ना खुलेगी अंदर से, हालात ये चलने वाले, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें भी रस तो है, तुम बताओ नहीं बताओ इसमें भी रस है। एक तो घूमने फिरने को मिल जाते हैं, टांगे खुल जाती हैं, एक किले में बंद भी औखा है इंसान, फिर प्रशंसा में तो रस है ही, तुम बोलो नहीं बोलो पर हम जानते हैं मन अंदर से फंसता है, स्वाद आता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए घर मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खड़े रहते हैं, वाह। अब ये हुआ अपने को कीर्ति में आप फंसा लेना, उधर कंचन उधर कीर्ति, पता लग रहा है रस आ रहा है, पर कौन बताए गुरु को रस आ रहा है, चला जाएगा जितनी गुरु तेरी कृपा, ते गुरु की कृपा तुम जितनी बोलते हो उतनी फील करते हो, बिल्कुल फील होता है मेरा कर्ता मर गया, मेरा कर्त्य पूरा हो गया, ईमानदारी से करते, कर्ता भी है और उसको अपने कृत्य की खुशी भी है और वो रिवॉर्ड भी स्वीकार करता, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर किया। लोग बोलेंगे आपने जीवन बना दिया, मन खुश हो जाएगा, मेरे वचनों से भी फर्क पड़ने लगा, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मेरा भगवान जहां बैठा है वो वहां से कृपा कर रहा है, खिड़की कैसे कह सकती है कि मैंने रोशनी दे दी अंदर, रोशनी सूरत से आ रही है, वो तो दीवारों के बीच खिड़की बना दी गई,
सब जड़ बुद्धियों के बीच एक तुम्हें गुरु ने थोड़ा चेतन करके शक्ति दे दी, जाओ तुम किसी को जगा। ये भूल कैसे कर सकते हो सोचने की कि मेरे वचन से किसी को फायदा हो गया। जब हम अपने को ऐसे विचार नहीं दे पाते, गुरु ने तो बड़े बड़े विचार दिए हैं, पुलटस खाते हो बड़े बड़े विचार दिए हैं गुरु, पर हम ऐसे विचार अपने मन को देते हैं, सुनाते हैं। नहीं दे रहे हो तो तुम कीर्ति में फंस रहे हो। कीर्ति देवी जब गले में वरमाला डालती है ना, बड़ी प्यारी लगती है। मेरी कीर्ति, मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवाही। और भगवान हम लोगों को इतना जागृत करते थे कि ये जो लोग आज उठा रहे हैं ना तुम्हें, कल ये नर्क में डुबकियां लगवाएंगे, ऐसे ऐसे करते इतना जागृत करते थे। बचना, एक माया से तो बच के आए घर से, यहां दूसरी माया मुझे चंबे में लेती जा रही है और मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं खुश बैठा हूं और मेरे को बड़ा आसान लग गई बात, बस आत्म भाव जो है वो देह अध्यास को खत्म कर देगा, जीत देगा। देह अध्यास के छिलके उतारने पड़ेंगे, रंदा चलाना पड़ेगा, तब तो आत्मा का भाव अंदर से निकल के आएगा। आत्म भाव कोटने का नहीं है, आत्मा भीतर से प्रकट करने का है। जो वचन गुरु देता है, जो विचार गुरु देता है, उसको कैच करो, उसको समझो। गुरु बताना क्या चाहता है, गुरु कहना क्या चाहता है, गुरु समझाना क्या चाहता है। हम खड़े रहते हैं अपने स्वभाव में और ज्ञान का लबादा ओढ़ लेते हैं, फिर खुश हैं, शायद ये अध्यास खत्म हो गया। कभी कभी चार लोग बोलते हैं ना, आपकी स्थिति या भ्रमी हो जाता है, शायद स्थिति हो गई। कहां से हो गई स्थिति? पीर सडावण सौखो आए, सड़ी सखी सडावण औखो आए। पीर कहलाना तो बहुत आसान है, कहीं चले जाओ चार लोगों को ज्ञान बता दो, पीर हो गए तुम। पीर सडावण सौखो आए बहुत आसान है गुरु कहलाना, सखी सडावण औखो आए। भगवान की सखी होना, भगवान का प्रेमी, भगवान का सेवक होना, भगवान के नजदीक होना, सखी सडामन औखो आए, ये औखा काम है। सौखे में सौखा काम है पीर कहलाने, क्योंकि पीर कहलाने में मेहनत ही कोई नहीं। कहीं जाके तुम दो वचन सुनाओ, तुम पीर हो गए। एक भजन गा दो, दो बातें कर लो, पीर बाबा हो गए तुम। मुश्किल थोड़ा है, आसान में आसान काम है दुनिया में गुरु बनना, और मुश्किल से मुश्किल काम है दुनिया का शिष्य बनना। शिष्य बनना सबसे कठिन, भगवान की सखी होना सबसे कठिन। पीर सडामण सौखो है, बड़ा आसान काम है। एक भजन की डायरी ले जाओ, तो बुक आ गई, बुक ले जाओ, दो चार बातें करो, गुरु की चिट्ठी ले जाओ, कुछ और ले जाओ, चलो सुनाया। लोग बारी जाएंगे, भजन गाएंगे, मैं बारी बारी आ गई हो तो बारी बारी, मैं बारी बारी खुश। क्या मुश्किल है? पीर होना तो बहुत ही सी, सिर की मिटे खाज, लोग कहे महाराज, मजा हो गया। सिर की खाज मिट जाती, गंजे होते हैं बाबे, खास कुछ नहीं मिट गई सिर की, लोग कहे महाराज,
खाने को लड्डू मिलते हैं, चलो भाई पीर बाबा तो सिद्ध हो गया, क्या मुश्किल है। और जितने तमाशे करने आते हो उतनी भीड़ ज्यादा, इजी हैप्पी। लेकिन ये सब सूक्ष्म देह अभ्यास नोटिस किया कभी, मन निष्काम में भी गुरु की नकल करता है, औरों को वॉच करता है, ये कैसे बात कर रहा है, इस समय कैसे बात की, गुरु कैसे उठा कैसे बैठा, वॉच करता है। अच्छे भले चल सकते हैं हाथ पकड़ने दूसरे, क्यों गुरु तो पकड़ के चलता है, चाहे उसके शरीर में दिक्कत हो गई पर तुम्हें तो एक्टिंग करनी है, उन जैसा बनना है। उनकी चाहे मजबूरी हो गई पीठ को तकिया देना, पर मन सोचेगा शायद तकिया रखने से गुरु बनते हैं। उनकी चाहे मजबूरी हो गए पैर के नीचे चौकी रखना, पर तेरा मन सोचेगा शायद ये सेटअप लगाना पड़ता है। पानी की चौकियां क्यों लग जाती हैं हर जगह, सेटअप बना दिया लोगों ने। और हम लोग अपनी बोतल अपने पर्स में रखते थे, सत्संग खत्म किया अगर पानी भी पीना अपने बैग से निकाला पिया और बॉटल अंदर, तो सेटअप बन गया हर चीज। चाहे चार लोग भी बैठ के सत्संग करें सेटअप लगे, पानी की चौकी होगी, ग्लास होगा उस पर ढक्कन होगा, मयूर जग होगा, खांसी वाली गोली होगी, मिश्री होगी, पढ़ जाते हैं नाम यहां से कौन कौन सा रखा है ब्रांड, वही वाला मंगाएंगे ना फिर, या पर्स में वही वाला ब्रांड रखेंगे। चाहे कुछ हो ना, खांसी आए भी ना चाहे, फिर भी गोली डालनी है मुंह में, मजबूरी है। एक औरत ने क्या किया, सत्संग में पापड़ खाने शुरू कर दिए, जैसे गुरुजी खाते थे ना पापड़, उसकी भी एक आई सत्संगयानी, डब्बा रखे वो पापड़ का और पानी, भी ऐसे बैठ के सत्संग में टुकड़े तोड़ के पापड़ खाए, भगवान को बात पता चली। उन्होंने उसको पूछा तुम पापड़ क्यों खाते, कहती है मुझे लगा शायद आप सत्संग इतना अच्छा तभी कर पाते हो कि पापड़ खाते हो, पापड़ की करामत। भगवान ने बोला रंग तूने गुरु को यही समझा, बोला हमको तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसे नमक वाली चीज खा के पानी पी के फिर बात करो, जो जो एज बढ़ती है दिक्कतें आती हैं शरीर में। उनको चाहे डॉक्टर ने कहा था स्टेमिना लूज हो जाता था या जो भी था प्रॉब्लम थी, नकल हो गई उसकी। क्यों हमारा मन ज्ञान में रहने की बजाय फिर बाहर हो जाता कीर्ति में चला गया। अगर अपने को खुद पकड़ोगे नहीं ना, ऐसे ऐसे कर्म होते जाएंगे जो तुम्हें बल्कि देह अध्यास पक्का करा देंगे, यहां पर भी छूटने के बजाय और फंस जाओ और अटकाव हो जाएगा और उलझन हो जाएगी। इसीलिए बी केयरफुल, बहुत केयरफुल होना है। सिर्फ बोलना नहीं है आत्मा का विचार आत्मा का भाव, भाई हमने बोल दिया, बोलने से नहीं लेकिन आत्मा के निश्चय को ऐसा रियलाइज करना है जैसे रोशनी हुई अंधेरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मेरे अंदर आत्मा का निश्चय पक्का हो, देह अध्यास का कोई लक्षण उठना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर देह अध्यास का लक्षण उठेगा काम खराब हो जाएगा। देह भाव की कोई बात रहनी नहीं चाहिए, ये सावधानी हमारी अपनी होती है। अगर हम अंदर से सजग रहेंगे तब तो हम ये देह अध्यास को चीर पाएंगे, या ये जो अज्ञान का बंधन तभी जलेगा। और अगर हम
सतर्क नहीं रहते हैं। तो भ्रम रहेगा, हम ज्ञान में हैं, असल हम अज्ञान के कर्म करते ही आएंगे। और ये रहस्य तब खुलेगा जब बहुत देर हो चुकी हो, फिर रोने के पछताने के सिवाय हाथ को छाएगा। इसीलिए हरेक को अपने देह अध्यास से सावधान रहना, ये नहीं सोचना है बैठ के कि बस आत्मा कह लो और खत्म हो गई बात। ये तो आत्म विचार देह अध्यास जीतने के लिए, असल में आत्म अनुभव तो भीतर से आएगा ना। बाहर से आत्मा का विचार दे सकते हो, बाहर से अनुभव तो नहीं आएगा। आत्मा का विचार दे सकते हो बाहर से, वो भी इसलिए जहां जहां भूल होती दिखे, देह अध्यास उठता दिखे, तो हम आत्मा का विचार करके मन को जीत लेते हैं, राइट ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन आत्म विचार काफी नहीं है, आत्म विचार से मैं आत्म अनुभव की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। आत्म विचार से आत्मा की लक्षणा याद करके मैं देह अध्यास से छूटूंगा, जो देह भाव मेरे ऊपर हावी हो रहा है, जो देह भाव के विचार हावी हो रहे हैं, मैं उनसे छूटूंगा। लेकिन ये नहीं कि मैं बस विचार देख के सोचूं मेरा काम खत्म हो गया। विचार क्यों देना पड़ा तुम्हें ये भी सोचना, मुझे ऐसे संकल्प ही क्यों आते हैं जो मुझे ज्ञान के विचार से ही जीतने पड़ते हैं। इसका मतलब कहीं तो सूक्ष्म में कुछ पड़ा है। कल बोला ना, भीड़ ने पत्थर क्यों उठाया, भीड़ को क्या नाराजगी है? भीड़ की नाराजगी का कारण तो उनकी अपनी वासना निकली, तो हम नहीं खोजेंगे। अगर हम विचार के सहारे ही चल रहे हैं तो क्या हम अपने में खोजेंगे नहीं कि मुझे विचार क्यों देना पड़ता है बार बार? और क्या ये नहीं खोजोगे कि विचार का प्रभाव कितना होता है मेरे ऊपर? उथला उथला विचार देता हूं, सचमुच विचार देते ही मैं उस स्थिति को अनुभव करने लगता हूं और बहिर्मुखता से एकदम अंतर्मुखता में आ जाता हूं। ये कौन खोजेगा? ठीक है, विचार की बात तो हो गई, पर विचार से फायदा निकला या वो विचार ऊपर ऊपर रह गया? कभी कभी होता है ना, फैन चलाओ और हवा ही नहीं होती, शोर मचा देते हैं, भाई इस पंखे की तो हवा ही नहीं लग रही, इस पंखे की तो हवा ही नहीं लग रही। तो आत्म विचार की हवा तो चला दी, लगी ठंडक आई अंदर। जो विकार मुझे अपने कब्जे में किए हुए था, क्या उस विकार के पर खच्चे उड़ गए? मैं आ गया अपने स्वरूप में, अशांत शीतल देश में आ, हो जा जर हो जा अमर हो गया। खाली विचार देके खुश होने से क्या होगा भाई? अगर तुमने विचार दिया तो तुम्हें यह भी पहचानना जरूरी है कि उस विचार से मुझे प्रभाव क्या होगा। कई बार तुम विचार भी ऊपर ऊपर इतना देते भर हैं कि अपने को शांति हो जाए कि हाँ हाँ मैं अज्ञान के वश में हूं, या इतना विचार कर लेते हैं गुरु पूछेगा तो बता पाऊं। आत्म विचार उतना गहराई तक होना चाहिए जहां वो मेरे विकार की जड़ खत्म कर सके। आत्म विचार देते ही मुझे महसूस होने लगे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और मैं एकदम बाहर की माया से सिमट के अंतर्मुख हो जाऊं, उसको कहते हैं विचार देना। अभी ये भी विचार देना नहीं कि बात आई तुमने विचार दे दिया तो तुम बोल गए। आत्म विचार तो फिर गहरा 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 होता चला जाए, वो मुझे गहराई में ले जाए, वो मुझे मेरे स्वरूप में छोड़ के आए। दोपहर से बोल दिया, जैसे आजकल सॉरी बोलने का रिवाज है, किसी को गलती रियलाइज हो ना सॉरी,
खत्म हुआ, दान छोड़ो सॉरी बोलो। लेकिन सुधरता कौन है? जो गलती को समझता है। सब सॉरी कहने वाले सुधर नहीं जाते, वो सुधरता है जो गलती को रियलाइज कर लेता है। ऐसे आत्म विचार किसको काम आता है? जो उतनी अंतर्मुखता में जाए, जो उतना गहरा उतरे, उसको काम में आए, बाकियों को काम नहीं आएगा। बाकी तो सब ऊपरी ऊपरी बातें करेंगे और खुश हो जाएंगे। आत्म विचार को भी समझने का, जानने का, भाई पानी पिया मतलब प्यास बुझने का एहसास होना ही चाहिए, खाना खाया पेट भरने का एहसास होना ही चाहिए। नहीं हो रहा अगर गड़बड़ है, फिर पूछते पानी था भी सही है, जूस पिला दिया, लिमका पिला दी, प्यास ही नहीं बुझी मेरी। आत्म विचार तो तृप्ति दे, अगर अतृप्ति बनी पड़ी है तो मेरा विचार अधूरा है। मेरा विचार ऊपर ऊपर से है, थोथा है फिर मेरा विचार। आत्म विचार माना फुल स्पंज, तृप्त भरपूर निश्चय में जागृत विवेकवान, भूल से भी भूल ना हो, वो हुआ ना आत्मा का। तो जरूर विचार करना, खाली बात मत उठाओ कैसेट से, विचार करो ठीक।